पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस दफ्तरों में उत्साह से 134वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यालयों पर विचार गोष्ठी भी आयोजित की गयी। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। कार्यालयों में मिठाई भी बांटी गई। जिला और अन्य जगहों पर पार्टी धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास को याद किया। सभी ने कहा कि 133 साल पहले यानी आज के ही दिन 28 दिसंबर 1885 में पार्टी की नींव रखी गई थी। स्थापना जन आंदोलन के रूप में हुई। पहले अध्यक्ष कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छी बात यह है कि सरकार न होने के बावजूद पार्टी में आज भी कार्यकर्ता खड़ा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथों की मजबूती पर जोर दिया। ये कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। आज कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस था, जिसको बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सभी कांग्रेसजनों ने, पूरे भारतवर्ष के कांग्रेसजनों को और पूरे भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई दी है 134वें स्थापना दिवस में। मैं व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते जिले का सभी मुरादाबाद वासियों को और सारी कांग्रेसजनों को, पूरे भारतवर्ष के, मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस में। सब लोग कांग्रेस के, पूरे हिंदुस्तान में आज हम कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाते हैं। आज कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस था। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सभा हुई। जैसा कि मालूम है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बनर्जी बनाए गए और उसके बाद हमारे आज़ादी के बाद से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ तमाम लोग, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, तो सारे लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज हम अपने हिंदुस्तान के कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान कांग्रेस में काम कर रहा है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, माननीय राहुल गांधी जी ने, जिनको लोग ये कहकर करते थे कि राहुल गांधी एक पप्पू हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस बहादुर नौजवान ने, जिसके पिता ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश का मान रखा और उसने ये दिखा दिया राहुल गांधी जी ने कि तीन प्रदेशों के चुनाव में एक बहुत बड़े वक्ता थे हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनको ज़ीरो कर दिया और पांचों विधानसभाओं में भाजपा का सफाया कर दिया और तीन स्टेट में, हमारी वो स्टेट जहां पर बीजेपी का वर्चस्व था, वहां से कांग्रेस ने उनका वर्चस्व ख़त्म किया और कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ। हम आज उनको सलूट करते हैं, राहुल गांधी जी को। और आज 2019 का चुनाव करीब है तो हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी।